So, welcome back to my channel. So, today, आज जो हूँ मैं आप लोगों के साथ एक अलग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और रेसिपी की स्पेशल रेसिपी है फॉर माघ बिहू। तो असम में अभी माघ बिहू उरुका होने वाले हैं, और मुझे लगा मैं आज आप सभी असमीज जो मेरे फ्रेंड हैं उन लोगों के लिए एक रेसिपी शेयर करूँ। सॉरी गाइस, मैंने सोचा था पहले ये वीडियो का जो लैंग्वेज है मैं असमीज में बनाऊंगी, लेकिन मेरे जो है बहुत सारे नॉन असमीज व्यूअर्स भी है जो इन लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आई होप गाइस आप लोग जो मोर अखमर है बेहद पाए। आज मैं आज ये तो हिंदी बनाऊँ और आप लोग असमीज को ही लो। तो चलिए फिर आज मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ क्विल्ट रेसिपी। क्विल्ट का आप लोग तो खाते होंगे क्विल्ट, और क्विल्ट जो है रेसिपी आप लोग क्विल्ट को ग्रेवी बना के भी खाते हो, फ्राई करके भी खाते होंगे शायद। तो मैं जो हुआ आज आप लोग के साथ एक बहुत ही ईजी तरीके से बनाऊंगी वो है क्विल्ट फ्राई रेसिपी। और क्विल्ट फ्राई को जो है मैं बहुत ईजी आसानी तरीके से बनाऊंगी, आई होप आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो, और इसे माघ बिहू उरुका में आप लोग जरूर एंजॉय कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहते हो। इट्स वेरी कोल्ड हेयर गाइस, बहुत ही ठंड है, और मेरा तबीयत भी बिखर गई थी, मैं ठीक नहीं थी 2-3 दिन से, अभी ठीक हूँ माशाल्लाह। अभी थोड़ा सा कफ है, तो मुझे लगा आज मैं क्विल बनाती हूँ, और क्विल बना के आप लोगों को शेयर करती हूँ, खाती हुई हूँ कैसे लगते बनाती दिखाती हूँ आप लोगों को। और क्विल फ्राई जो है मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्विल को आसमीस में बोटा फ्राई बोलते हैं, और इसे क्विल भी बोलते हैं। तो चलिए फिर, अगर आप लोग ने कभी ट्राई नहीं किया तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही इजी वीजी सा रेसिपी है। तो चलिए मेरे किचन में जल्दी चलते हैं और बनाते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे ले लिया है गाइस क्विल ले लिया है। क्विल को मैंने हाफ कट कर लिया है ऐसे करके, और क्लीन था मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, बस यही है, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है। तो अभी इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये जो रेसिपी है मेरे अब चैनल पर पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है असम में माघ बिहू हो रहा है, तो मैं इसकी स्पेशली भी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, क्योंकि अभी जो है वह बर्ड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है, और फिश तो है ही है। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर कर लूँ इसका। इसे जब ग्रेवी बना के बहुत लोग खा लेते हैं, लेकिन फ्राई करके कुछ पता नहीं आप लोगों ने खाया कि नहीं खाया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राई करके स्पेशली। तो मुझे लगा मैं आज आप लोगों के साथ फ्राई करके बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी बनाते, इसे मिक्स करके। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इसमें ये लड़का मिक्स करके मैं इसे मैरिनेट करके रखूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए गाइस, मैंने जो है अभी ये मैरिनेट कर लिया है, और इसे मैरिनेट करके आप लोग चाहे तो हाफ एन आवर छोड़ सकते हैं, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो 10 मिनट एटलीस्ट उसे ऐसे रेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी 10 मिनट ही रेस्ट करूँगी, और मैं इसे फ्राई करके खाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसा बनता है। सही में गाइस बहुत ही यम्मी बनता है गाइस, इसे बहुत ही चिकन जैसा ही टेस्ट है, नॉट एनी अदर टेस्ट, मुझे पूरा चिकन की जैसा ही लगता है खाने में। और इसे आप लोग चाहे तो ग्रेवी वगैरह भी बना सकते हो बहुत बोल बोल के, लेकिन मैं इसे फ्राई करूँगी। और चलिए फिर मैं जल्दी जल्दी फ्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ मैं फ्राई कैसे करती हूँ। और चलिए, तो गाइस यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, और पैन में ऑलरेडी ऑयल डाल दिया है, और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद यहाँ पर फ्राई करेंगे हम। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये कर दिया, इसे फ्राई करूँगी अभी। तो गाइस ये देखिए मेरा जो रेसिपी है ये बन के रेडी है, ये बहुत ही यम्मी बनता है गाइस। गाइस तो मेरा रेसिपी जो है ये बन के रेडी है, प्लीज़ इग्नोर माय फेस, मुझे मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था अभी, कल से थोड़ा सा बेटर हूँ मैं, और मैं अभी इसे खा के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कितना ही यम्मी बना है गाइस, बहुत ही यम्मी बनता है, एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई करें अगर कभी ट्राई नहीं किया तो। टेस्टी बनता है बहुत, मैं खा के बताती हूँ आप लोगों को साथ।
छोटा सा है और इसका लेग पीस देखिए। बहुत ही यम्मी बना गाइस, बहुत ही टेस्टी। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार बनाइए और फ्राई करके खाइए। इसे बहुत लोग जो है करी ग्रेवी बना के खाते हैं, लेकिन मुझे फ्राई बहुत पसंद है इसका। बहुत ही ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करनी है, इसे शैलो फ्राई करनी है, टेस्टी। चलिए फिर मैं अभी इसे लंच को एंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फिर चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड हैप्पी माघ बिहू टू ऑल ऑफ यू गाइस, फ्रॉम माई फैमिली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।